अच्छा मैंने हमें क्या बनाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप सबको, ये गेम नजर आ रही है आपको? अच्छा जी इसको मैं करता हूँ मैक्सिमाइज। अच्छा मैक्सिमाइज में बेसिकली अब मैं इसे चलाऊंगा आपको सामने, तो बेसिकली होगा ये कि ये एक गेम है और बेसिकली इसमें आपको सामने नजर आ रहा है हाईलाइट। सो बेसिकली यू कैन एक्चुअली मूव दिस, सो बेसिकली दिस इज द फ्लोर, सो बेसिकली आप चाहें तो इसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। आगे मैंने बेसिकली वो बॉटल्स रखी हुई हैं, ये मेरी बॉलिंग बॉल है, और इसको आप जैसे ही राइट एरो लेफ्ट एरो से आप इसको मूव कर सकते हैं, और अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो बेसिकली ये फायर होगा, फायर या मैं जो भी कहना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप बॉल को वापस लेके आना चाहते हैं तो बी प्रेस करें तो बी बॉल वापस आ जाती है और आप दोबारा से शुरू कर देंगे। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर ये हिट करूँ तो ये बॉल, ये देखिए ये सारी बॉल दे, ठीक है। अगर आप गेम रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आर प्रेस करें तो सारी गेम वापस दोबारा से आ जाती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये गेम है जो हमने बनानी है, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है कि इसका कोई मसला है, जैसे कि 3D गेम है उसमें मैंने कैमरे की सेटिंग वगैरह मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी, उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है वो हम देख लेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? आप इसका ये बैकग्राउंड वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, वो कैसे करना है वो आप थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने ये गेम बनाई है, ठीक है। सो एवरीबॉडी सिड मी, ठीक है, सबको ये जी समझ में आ सर, गई गेम, ठीक है। अच्छा अब मैं अपने बेसिकली अपनी गेम पर जाता हूँ, तो सो हेयर इज, सो बेसिकली हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर न्यू करेंगे ऐड, और न्यू में जाके हम आज 3D गेम बनाएंगे। और 3D गेम का नाम क्या होगा? 3D गेम का नाम होगा जी बॉलिंग बॉलिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये नाम होते हैं, ठीक है जी। बॉलिंग, ये बल्कि बॉलिंग गेम नाम रख देते हैं, बॉलिंग बॉलिंग रख देते हैं नाम, ठीक है। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा मुझे ना इसमें बेसिकली जो एसेट्स लेके आने हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, तो ये बेसिकली ये जो एसेट्स हैं जो कि मैंने अभी आपको किधर गया प्रोजेक्ट, इसमें ये जो एसेट्स हैं ना जो कि बेसिकली प्री चार्ज बॉल है, बॉटल्स हैं और फ्लोर है, ये बेसिकली 3D मॉडल्स हैं, ठीक है। ये कहाँ से लेके आना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एसेट स्टोर पर बेसिकली फ्री पड़े हुए हैं, तो आप बेसिकली उठा के लेके आ सकते, ठीक है। तो वो कैसे, थोड़ी देर लगेगी इसको इंस्टॉल करने में, तो ऑल यू हैव टू, सो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज कि बेसिकली ये ना ये एसेट स्टोर पे ये पड़े हुए हैं, ये आपको यहाँ पे भी आ रहे हैं, आप सब जाके सर्च भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये एसेट स्टोर से बेसिकली कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, ठीक है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, एसेट स्टोर पे मैंने दिया ये, ठीक है। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, स्क्रीन पर रखते हैं, तब तक ये थोड़ी देर में स्टार्ट होता है, सो लेट्स वेट फॉर ए वाइल। अच्छा सो बेसिकली आइडिया ये है कि बेसिकली जो मैंने 3D मॉडल्स हैं वो सारे सारे मैंने क्या करने हैं, बेसिकली मैंने इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। और वो मैं इंपोर्ट करूंगा और फिर उसके ऊपर बेसिकली मैंने कुछ प्रोसेसिंग वगैरह कुछ काम वगैरह करना होगा, ठीक है। तो जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम कुछ वेट फ्रांस, कर लेते। जी जी क्वेश्चन, ये हाँ जो इसके स्प्राइट्स होते हैं हमारे पास हाँ 3D, ये भी डिफरेंट होते हैं 2D से? हाँ जी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं, वो 3D पूरा होता है, 2D मॉडल होता है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आज वो एक दो स्टूडेंट्स मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम ना थोड़ा सा स्प्राइट्स डिजाइन वगैरह भी सीखना चाहते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा एक दोस्त है जो बेसिकली ये ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाता है यूसीपी के अंदर, तो मैं उसे सोच रहा हूँ कि मैं हम दो लेक्चर ले लेते हैं, 2D स्प्राइट डिजाइनिंग सीख लेते हैं और फिर एक लेक्चर हम 3D स्प्राइट डिजाइनिंग के ऊपर करवा लेते हैं, ठीक है। वो एक हेल्प सेशन होगा, वो जो लेना चाहे ले सकता है, जो नहीं लेना चाहे नॉट इंटरेस्टेड है तो दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। वो जी, शायद आपको जरूरी क्योंकि इसलिए, तो शायद आपको जरूरी इसलिए होगा क्योंकि बेसिकली हमने जो आपको प्रोजेक्ट देना है वो प्रोजेक्ट बेसिकली होगा सिमुलेशन गेम बनानी होगी, सिमुलेशन गेम भी नहीं, बेसिकली सिमुलेशन एनवायरमेंट बनानी होगी। वो क्या होगा वो आपको थोड़े दिनों बाद पता लगेगा, लेकिन बेसिकली उसको बनाने के लिए आपको 3D मॉड्यूल्स वगैरह शायद बनाने पड़े, ठीक है। वो बेसिकली 3D में आपने चीजें बनानी है तो वो आपको फिर बताएंगे हम, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन में अगर आप देखें तो बेसिकली अब आपको 3D व्यू नजर आ रहा है,
यहाँ पे 3D व्यू है बेसिकली, मैं इसको तो यहाँ से एनिमेशन में यूज कर रहा था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रोजेक्ट पैकेज है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया था ना, आप यहाँ से जाके ये जो बॉलिंग किगल और नेट बॉल है, ये बेसिकली जाके आप एसेट स्टोर पे जाएं, और यहाँ एसेट स्टोर पे जाके आप बेसिकली क्या करें, बेसिकली जाके यहाँ पे एसेट स्टोर में ये कनेक्ट हो रहा है, मेक श्योर कि इंटरनेट आपको चल रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप ये सर्च करेंगे, ठीक है। रिसर्च करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के ये कुछ हैं जो कि बेसिकली कुछ, एक है जो फ्री है और एक है जो कि बेसिकली ये पैसे पैसों का है। आप कोर्स आप ये नहीं लेंगे, आप तो ये फ्री वाला लेंगे, तो आप यहाँ जाएंगे और इसको जाके अपनी गेम में इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाके आप इंपोर्ट कर लें, तो पहले आप पहले तो उनके मेरे दफ़ा डाउनलोड हुआ हुआ है यूनिटी के अंदर, तो मुझे सिर्फ इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वरना आप पहले डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके फिर आप इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इम्पोर्ट कर दिया, अब ये मुझे स्क्रीन नजर आएगी, मैं इसे जाके इम्पोर्ट कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ये सारी जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं प्री फेवर की फॉर्म में, ये मुझे नजर आ जाएंगी, ठीक है। ये मेरे पास बेसिकली प्री फेब की फॉर्म में बॉल पड़ी हुई है, फ्लोर पड़ा हुआ है, और ये कैगल है, कैगल इज बेसिकली बॉटल, देख रहे हैं ये बॉटल नजर आ रही है आपको, ये ओपन प्री फेब नजर आता है, ये बेसिकली इसका ये है, इसको मुझे यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली है, तो बेसिकली एक ये फ्लोर है, फ्लोर यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, मैं इसका मैग्नीफायर ऑन करता हूँ, शायद आपको यहाँ पर नजर आ जाए, मैग्नीफायर मैग्नीफायर प्लस, ये देखिए ये आपको फ्लोर नजर आ रहा है, ये फ्लोर अभी ये 3D मॉडल में है बेसिकली, ये इसका फ्लोर है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कैगल देखूँ जो कि बेसिकली बॉटल है, तो मैं इसका नाम देखना चेंज कर, तो उसका नाम रहता हूँ बॉटल, ठीक है। बल्कि सारे सारे बैटल को भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बॉटल नजर आ रही है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बॉटल, ये आपको बॉटल नजर आ रही है बेसिकली, ये देखें ये बॉटल नजर आ रही है। अब इसके ऊपर जब लाइट वगैरह मारेंगे तो ये थोड़ी सी रोशन हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह इसको नेगेटिव कर देते हैं जाके, और यहाँ पे बॉल पे आ जाए तो आपको बॉल भी नजर आ रही है, इसके ऊपर चाहें तो आप दूसरे मटेरियल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मटेरियल वगैरह लगाते हैं, अगर मैंने मैंने टाइम मिला मुझे तो, ठीक है। अच्छा अब हम वापस गए सीन व्यू में, इसको बेशक जाके बंद कर दें, ठीक है, एसेट स्टोर में, और अब बेसिकली ये सीन व्यू में नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये मुझे कौन सा दिखा रहा है, इसमें अगर आप जाएं कैमरा के ऊपर तो बेसिकली ये मुझे कैमरा नजर आ रहा है, इसको मैं अगर जूम आउट करूँ तो यू कैन एक्चुअली सी। अच्छा बाद में ऑल्ट प्रेस करके जब आप ये ऑल्ट करेंगे ना, तो ये बेसिकली आई आ जाएगी, अब ना बेसिकली आप इसको रोटेट कर सकते हैं, बेसिकली आँख जैसे रोटेट नहीं हो रही, तो देखिए ये मेरा कैमरा है और ये आपको उसका व्यू नजर आ रहा है, नाउ इट्स अ 3D व्यू, ये देख रहे हैं, ये जो उसका आपको नजर आ रहा है ना, ये व्हाइट वाला, ये बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली कैमरा इतनी विंडो को देख रहा है, इस विंडो पे आप जो भी चीज डालेंगे बेसिकली वो आपको नजर आना शुरू होगी, फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि बेसिकली आपने रखा ही नहीं है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी, ये नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा कैमरे का बेसिकली कोऑर्डिनेट जाकर देख सकते हो, 0, 1, -10 पे पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा वो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, जी में थोड़ा सा, जी में थोड़ा सा वो ऊपर है, और आप देखें तो बेसिकली इसे मैं इसको ना चेंज कर सकता हूँ, इसे थोड़ा सा मैं यू कर देता हूँ, तो ये बेसिकली मुझे एक्स व्यू में ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इसे एक्स कहते हैं, एक्स जी में अब दिखा रहा है मुझे, और ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, सो बेसिकली आपको ये फ्लैट की तरह दिखाना शुरू कर देगा, तो ये बेसिकली इस वक्त मुझे एक्स जी विंडो में दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे दिखा रहा है मुझे, तो इसको मुझे एक्स जी में दिखा रहा है, अब मुझे वाई जी में दिखा रहा है, ये आप कैमरे से खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, प्लीज ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है, ये प्लीज, और थोड़ा यू करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सर वाई जी में बैठा हूँ, जी से देख रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पे ना सबसे पहले फ्लोर को लेके आता हूँ। सो फ्लोर को लेके कैसे आएंगे, फ्लोर को लेके मैं बेसिकली इस गेम रूम में फेंकता हूँ, ठीक है। अब ये बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है, मैं ऐसे करता हूँ उनको से बेसिकली ये रैंडम पोजिशन पे आया तो मैं इसको जाकर रीसेट करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये देखें, ये आपको दूर से ये नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये फ्लोर है, ये बेसिकली इस पर मैंने दिखाया है, इसको रखा है, ठीक है। और आपको ये गेम व्यू में ये नजर भी आ रहा हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, इस गेम व्यू में ये नजर आ रहा है, ठीक है। इसको आप देखना चाहें तो थोड़ा सा मैं कैमरा को मैं देखता हूँ, कैमरा ये कैमरे पे गया, ये कैमरे पे ये मुझे जो नजर आ रहा है ये है ना कैमरा, और मैंने ये कैमरे के सामने रखा है, देख रहे हैं कैमरे के सामने पड़ा हुआ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके इसको थोड़ा सा स्केल कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कैसे करते हैं कि पहले मैं काम करता हूँ मेन कैमरे पे जाता हूँ और मेन कैमरे को जाके थोड़ा सा मूव करता हूँ, ये देखें थोड़ा सा ऊपर उठा के उठाया मैंने, तो उससे होगा ये कि थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ताकि मुझे नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो बड़ा कैसे करता हूँ कि यहाँ पे जाके मैं इसे स्केल करता हूँ और स्केल टूल में जाके इसको थोड़ा सा मैं किस डायरेक्शन में बड़ा करूँ बताएं, सो किस डायरेक्शन में बड़ा, हाँ कैमरे के ऊपर जी डायरेक्शन जी में डायरेक्शन में, भाई जी डायरेक्शन में इसको मैं बड़ा करता रहता हूँ, ठीक है। देख रहे हैं ये थोड़ी सी वही मेरा फ्लो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। ये जी डेप्थ है ना, मैं इस डायरेक्शन में थोड़ा बढ़ा देता हूँ उसको, ठीक है। और देखिए ये थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, मैं इसको चाहूँ थोड़ा सा मूव भी कर सकता हूँ, और मूव कैसे करता हूँ जाके ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे नजर आए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। सो फार सो गुड, ये मेरी बॉल है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट वगैरह ना फेंक दूँ, तो लाइट फेंकने के लिए मुझे ये डायरेक्शन लाइट है, इस पर डायरेक्शन लाइट इस तरफ है, तो अगर मैं इसका इसको थोड़ा सा यूं करूँ और इसको थोड़ा सा यूं करूँ तो थोड़ा सा लाइट आती है, फिर लाइट को ना रोटेशन करते हैं, एक मिनट, ये है ना लाइट, अब इस पर ना लाइट ये है, तो आई डोंट नो ये लाइट कैसे इसको मूव करेंगे। मैं अच्छा ये ना ये लाइट सोर्स जो है ना थोड़ा सा इस तरह से है कि ये आ रही है ना, व्हाट अबाउट कि मैं, अच्छा ये डायरेक्शन एक है डायरेक्शन लाइट ये होती है, इसको मैं इसको तो मैं खुद रोटेट वाला भी कर सकते हैं, एक मिनट ये रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन लाइट थोड़ा सा आती है नहीं आती, ये देखिए देखो ये लाइट देखो लाइट चेंज हो रही है, गेम व्यू को देखो तो लाइट चेंज हो रही है, देखिए ये देखिए ये स्टूपिड, देख रहे हैं कि लाइट थोड़ी सी बढ़ गई है ये। अच्छा मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि फ्लोर, अच्छा भाई साहब फ्लोर जो है ना इस वक्त तो बिल्कुल वो ब्लैक इसलिए नजर आ रहा है बिकॉज वो है ही ब्लैक। आप इस पर चाहें तो कुछ मटेरियल वगैरह डाल सकते हैं, मटेरियल डालने के लिए आपको एसेट में जाके क्रिएट जाके नया मटेरियल करना पड़ेगा, और मटेरियल का नाम रख लेते हैं लेट्स से फ्लोर मटेरियल, ठीक है। और फ्लोर मटेरियल में जाके इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो वाइट कर देते हैं, और व्हाट इफ कि मैं ये मटेरियल इसके ऊपर लगा दूं, देख रहे हैं ये कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया है, अब मुझे फ्लोर थोड़ा सा ग्रे से नजर आ रहा है, इसका चेंज करना चाहता हूँ कलर, तो बेशक मैं इसको जाके चेंज कर लेता हूँ। मैं वाइट करूंगा तो क्या होगा, ये रेड हो जाएगा, राइट। इसका आप जाके आप चाहें तो कोई कोई और से मटेरियल उठा के भी इस पर लगा सकते, फिलहाल मैं मटेरियल ये रख देता हूँ ताकि वो ब्लैक ना हो, मुझे थोड़ा सा अच्छा नजर आए, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, अब इसके ऊपर कोई बॉल बॉल रखते हैं, बॉल कैसे रखेंगे, प्रीफैब में गए, यहाँ से मैंने बॉल उठाई और बॉल उठा के मैंने यहाँ फेंकी, अब ये बॉल देखेंगे 0 0 0 के ऊपर आई हुई है, क्यों इसका मसला वाला क्या है, 0 0 0 पे मसला क्या है, हाँ जी क्या होगा 0 0। अच्छा बात अभी मैं बॉल को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस जो फ्लोर है इसके ऊपर कुछ लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए बताएं, कोलाइडर कोलाइडर शाबाश, लगाना चाहिए क्योंकि बेसिकली इसके ऊपर चीज रुक नहीं है ना आके, तो कौन सा कोलाइडर लगाएं, हाँ बॉक्स कोलाइडर जी तो अगर हम बॉक्स इसके ऊपर हम बॉक्स कोलाइडर लगा देते हैं, ठीक है ना, बॉक्स कोलाइडर लगा देते हैं, फ्लोर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, बॉक्स कोलाइडर लगा देते हैं, और बाय द वे बॉक्स कोलाइडर 2D नहीं बॉक्स कोलाइडर लगेगा, ठीक है। यू कैन एक्चुअली सी इन द इन द इन द सीन व्यू के बेसिकली देखेंगे इसका कोलाइडर लग चुका हुआ है, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं बॉल लेके आते हैं और बॉल को यहाँ से यहाँ ड्रैग करते हैं, तो बाय द वे ये बाय डिफॉल्ट 0 0 0 के ऊपर पोजीशन के ऊपर आया है जो कि बेसिकली ओरिजिन है,
मैं इसे यहां नहीं करना चाहता, पहली बार तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ। तो मैंने बॉल को यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ये करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, डू यू थिंक कि बॉल के ऊपर कुछ लगना चाहिए? हाँ जी, कौन सर, सा कोलाइडर? रिजिड बॉडी लगनी चाहिए बॉल के ऊपर, एक तो बॉल के ऊपर रिजिड बॉडी लगनी चाहिए। क्यों रिजिड बॉडी लगनी चाहिए? क्योंकि उसने जाके हिट नहीं करना उनको, जो यहाँ आगे के हिट टैकल्स करना है, पड़ना। एक्चुअल तो यहाँ के हिट करना है। फिर दूसरी बात है कि वो इस फ्लोर से आगे चली जाएगी तो मुझे नीचे जाना चाहिए, उसके एग्जैक्टली ऊपर उस पे ग्रेविटी ग्रेविटी लगा, ग्रेविटी के वाला स्केल आना ग्रेविटी भी चाहिए। एक्ट कर रही है। तो बेसिकली हम ये कर देते हैं, इसकी ग्रेविटी जो है वो बेसिकली ऑन है, यूज ग्रेविटी। ठीक है, और इसके ऊपर एक काम करते हैं, इस पर कोलाइडर लगा देते हैं। कौन सा कोलाइडर लगाएं? सर्कल कोलाइडर 3D, स्फेयर सर्कल नहीं होगा भाई, सर्कल 3D भी तो होता है। सॉरी, वाह जी स्फेयर स्फेयर स्फेयर। वाह, अच्छा भाई ठीक है। तो ये देखें जी, ये इस पे हमने सफेयर कोलाइडर लगा दिया, इसको सेक करो। ये सफेयर देखो कितना, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो एडिट कोलाइडर में, ये देखें ये एडिट में कितना छोटा नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं? अगर मैं एडिट पे जाकर, बाद में ये बात है कि ये आई व्यू है ना, ये नजर का बात है। जब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये देखो मुझे ये नजर आएगा। और बाय द वे, मैंने ये बॉल को सेलेक्ट किया, इसका मैंने रिजिड बॉडी नहीं, मैंने इसका कोलाइडर पे जाके क्लिक किया एडिट पे। तो देखते हैं कि ये जो कोलाइडर है, ये कोलाइडर कैसा, कितना कोलाइडर है, मसला वाला क्या है, कोलाइडर कितना छोटा सा बना हुआ हाँ सर, वो उसके है, इसको अंदर है, बॉडी सफेयर के के अंदर है, बराबर होना पूरी चाहिए। सराउंडिंग में नहीं आया, तो हमें बेसिकली उसको पूरा एक्सटेंड करना चाहिए। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ बेसिकली ये इसका एक्सटेंडर बनाते हैं। सॉरी, ये मुझे दोबारा से ये करना पड़ेगा, ये एक्सटेंडर बना के मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊंगा, और यहां से मैं यहां पे लेके आऊंगा। और बाद में जो दो डायमेंशन चेक करने की, आगे बढ़ाने की जरूरत है, तीसरी डायमेंशन चेक देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि स्फेयर है वो ऑटोमेटिकली हाँ, बड़ा वो होता है। ऑटोमेटिकली चारों तरफ हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करेगा। लुक एट दिस, ये देखो आप देख सकते हैं बॉल के बिल्कुल सराउंडिंग में उसने ये बना लिया है। ठीक है, ये वजह से 3D के अंदर मॉडलिंग करते हुए आपको ऑल्ट प्रेस करना करना आपकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये बात नहीं, व्हील से आप यूं यूं कर सकते हैं, व्हील के दरमियान से, और यहाँ से आप ऑल्ट प्रेस करके आप यूं कर सकते हैं। ठीक है, ये डांस कर रहा है बाबा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने सेव कर दिया। अब हमें क्या लेके आना चाहिए दोबारा इसको थोड़ा सा? ये मुझे एक बात बताएं, ये तुम्हारे ख्याल में फ्लोर की लेंथ ठीक है, फ्लोर थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए? ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर उसे एक्सटेंड करना है एक्सटेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं चलो इसको इतनी रख रहा हूँ। ठीक है, और अब मुझे बेसिकली बॉटल्स लेके आनी है, तो बॉटल कहाँ रखें? तो बॉटल लेके आया और बॉटल लेके यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दी। ठीक है, अब बैठे बॉटल भी वही ओरिजिन के ऊपर आ गई है, मुझे ओरिजिन के ऊपर नहीं रखनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एंड पे ड्रैग कर दें फ्लोर तो पे, पहले तो हम एक काम करते हैं ना, उसके ऊपर कोलाइडर लगाते हैं। कौन सा कोलाइडर लगाएं? बॉक्स कोलाइडर, सिलेंडर बॉक्स ही बॉक्स। बॉक्स कोलाइडर लगा देते हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, बॉक्स कोलाइडर लगाया, इसको एडिट किया, जाके देखते हैं ये जो है बड़ा छोटा सा हुआ हुआ है। तो पहले तो एक काम करते हैं ना, छोटा सा इसको 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 मैं थोड़ा सा आगे पीछे तो मूव करूँ ना, ये बड़ा बदतमीज बना हुआ है, थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और मैं अब इसके जो बॉक्स कोलाइडर है जाके मैं एडिट करता हूँ। ये देखिए, इसका एडिट ये काफी खराब हुआ हुआ है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बाय द वे, इसको ना मैं इसको मैं एक्स वाई में जाके देख लेता हूँ, और इसको मैं एक्स वाई में जाके देख लेता हूँ इसको कैसे करते हैं। इसको मैं ये जाके यहाँ से यू ले आता हूँ। तो मैंने इसका एडिटर देखा, इसको मैंने यहाँ से यू एक्सटेंड किया, मैंने बड़ा ये तो ऊंचा हो रहा है, तो मुझे यहाँ से यू करना है, यहाँ से यू करना है। ठीक है, और मैं यहाँ से यू लेके आता हूँ, और यहाँ देख सकते हैं। अच्छा जी, क्या मसला वाला इसमें? यू कैन सी कि बेसिकली इसकी इसकी क्या क्या खराब हुई हुई है। सब ठीक है इसके अंदर है या बाहर है? यू थिंक इट्स फाइन? या ये देखो ये थोड़ा सा थोड़ा बाहर सा निकला बाहर है, है, थोड़ा सा बाहर है। तो इसको यहाँ से यूं कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से बेसिक यूं कर देते हैं, बेसिक बाद ये तो थोड़ा इसकी इसका ये बैक एंड होगी, तो इसको अगर ना भी कर तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ठीक है हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। मूव कैसे करते हैं? वो यहाँ जाके हमने बेसिकली इसका हमने यू पकड़ा, बल्कि नहीं इसको हम यू पकड़ते हैं जाके, बल्कि नहीं बॉटम व्यू बैक व्यू में देखते हैं, और यहाँ जाके हम इसका हमने ये पकड़ा, ये पकड़ा, और इसको जाके हमने यहाँ में कैमरा कर दिया। ठीक है, ये बात सुनाई? अच्छा, मसला वाला क्या नजर आ रहा है? कैन यू यू कैन एक्चुअली, मैंने प्लेस कर दिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कोई मसला नजर आ रहा है? क्या मसला आ रहा है? सीन व्यू में जो गेम व्यू है, इसमें तुम्हें बड़ी इसमें सर, कुछ चीज नजर आ रही है, क्या चीज नजर आ रही है? कैमरा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा कैमरा सा थोड़ा एंगल सा, पे होना वेरी चाहिए। गुड, कैमरा थोड़ा सा एंगल पे भी होना चाहिए, थोड़ा ऊपर भी होना चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, कैमरे को जाकर छेड़ते हैं। सो हम कैमरे पे गए, कैमरा जो है इसको हमने थोड़ा सा पहले तो हमने ऊपर किया,
और ऊपर कैसे किया कि इसके वायर को पकड़ कर उसे ऊपर कर दिया। अब मसला हो गया, क्या मसला हो गया, बॉल व्यू से निकल रही है। बॉल व्यू से निकल रही है तो थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये रोटेशन पकड़ा और बेसिकली इसको हमने यू कर दिया। हाँ ये तो मसला नहीं हो गया, गलत थोड़ी सी रोटेशन गलत विजन हुई है ना, थोड़ा सा ये हम यहाँ से पकड़ते हैं और एथेनु इधर से पकड़ते हैं और यहाँ से जाके, अच्छा नहीं ये रोटेशन पकड़ा हमने, यहाँ से जाके मैं ये करती हूँ। हाँ ठीक हो गया, ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा, बेस्ट 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 है लेकिन ना बॉल थोड़ी सी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना बॉल पीछे होनी चाहिए। थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए, लेकिन बॉल पीछे होगी तो और मसला भी होगा कि वो मुझे और बड़ी नजर आएगी। तो चलो देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, ये हमने यूं किया यूं किया, अच्छा नहीं इसको नहीं, इसको नहीं छेड़ते, इस पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, बॉल पे जाते हैं जी, और इसको जाके हम पीछे कर देते हैं। ये देखो जी बॉल थोड़ी सी और बड़ी नजर आ रही है, तो हम क्या करें, थोड़ा सा इसको कैमरे थोड़ा और ऊपर कर दें। ये भी चल रहा है हाँ सर, वो हमें आप वो मसला हो नजर जाएगा नहीं आएंगे सर, सही। कैमरा पीछे ले जाए, आप पीछे ले जाते हैं इसको, थोड़ा कैमरा पीछे ले जाते हैं, कैमरा पीछे ले जाए, ठीक है ये बात सुनना, ठीक है मेरे ख्याल में दैट दिस इज, दिस लुक नाइस, दिस लुक नाइस, अग्री डोंट अग्री, सर ठीक लग रहा है, गुड लग रहा है। ठीक है बेहतर लग रहा है, ठीक है तो बाकी खुद खुद थोड़ा सा जाकर खेलना देखना क्या कैसा बनता है, ठीक है चलिए जी कैमरे को हटाते हैं यहाँ से, फ्लोर पे वापस आते हैं और ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है अच्छा बाय द वे बॉल को थोड़ा छोटा करना है या सही है। वैसे बाय द ठीक वे है मेरा सर, मेरा अपना ये बिल्कुल ख्याल है कि इसको स्केल करना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसको ना फ्लोर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फ्लोर को थोड़ा बड़ा कैसे करते हैं कि इसको एक्स में थोड़ा सा स्केल कर, तो वाई इसको ना 2x2 कर देते हैं और इसको 4x4 कर देते हैं, ठीक है। और बॉल को हमने बॉल कितनी रखी हुई है, 1, और साइज रेडियस कितना रखा हुआ है, सफेयर इधर की रेडियस रेडियस नहीं है इसका, बॉल जो है सर कहीं रेडियस रेडियस नहीं, ये रेडियस है ना 1.5, थोड़ा छोटा कर दें इसको, ये ठीक है चलो यार ठीक है बस मेरा ख्याल, ठीक है आगे चलाते हैं। अच्छा मैं ना फ्लोर थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत करीब है, थोड़ा सा ना मैं इसको बड़ा करता हूँ, और बड़ा कैसे करता हूँ कि बेसिकली इधर से थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और बॉल को पकड़ा और इसको भी थोड़ा सा मूव कर देते हैं आई की तरफ, ठीक है अभी थोड़ा सा इधर, और अब हम टॉप व्यू पे जाते हैं, टॉप व्यू पे कैसे जाते हैं यहाँ से व्यू करके, ये हम टॉप व्यू से देखते हैं और टॉप व्यू से हम जाके इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं, और अब हम बेसिकली इसकी मूवमेंट करेंगे, तो लुक एट दिस, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके आ गए। अब मैं यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता हूँ, तो इसका नाम है बॉटल, इसका नाम रखता हूँ बॉटल 1, ठीक है, और इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ, Ctrl D से डुप्लीकेट कॉपी बनती है, ये डुप्लीकेट सही कॉपी एग्जैक्टली उस जगह पे बन रही है, ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा यू कर देता हूँ और थोड़ा सा आई कर देता हूँ, ठीक है फिर मैं इसी की एक और डुप्लीकेट बना देता हूँ, ठीक है और इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ ले जाता हूँ, ठीक है और फिर मैं एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और यहाँ पे यू लेके आया और यहाँ से यू लेके आया, ठीक है और इसकी भी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसको यहाँ पे यू लेके आते हैं और यहाँ से यू लेके आ जाता हूँ, ठीक है। आपने जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लेबरिंथ बनानी है आप में बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है और मेरे ख्याल में ये 5 बहुत है, फिलहाल ये 5 बहुत है, ठीक है ठीक सर है सर ज्यादा अच्छा नहीं होगा अगर हम उन पे कैप्सूल कोलाइडर लगाएं, क्योंकि वो बना उसपे ले लगा ले, विंडो हाँ है तो लगा ले लगा ले, कैप्सूल कोलाइडर लगा ले, ठीक है कैप्सूल लगाना है कैप्सूल लगा ले, वो भी चल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी मैं अब दोबारा जी आता हूँ, तो मुझे ये नजर आ रही है, ठीक है सो दैट लुक नाइस, अच्छा लेकिन मैंने अभी तक तलाक देखा नहीं है, मुझे देखना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो क्या रहा है, सो लुक एट दिस, इसको मैक्सिमाइज कर दें, ओहो सो फिलहाल हमें 1 मिनट, फिलहाल हमें ये व्यू नजर आ रहा है, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, मैक्सिमाइज ऑन प्ले, ये देखो ये बड़ा मेरा अच्छा नजर आ रहा है, हमारी हमारी इस वक्त ये बॉलिंग गेम शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा जी अब हमने क्या करना है बेसिकली, मैं हाँ सॉरी, बॉटल्स पे रिजिड बॉडी लगानी है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये पहले लगानी चाहिए थी हमें, इसलिए सब पे लगानी पड़ेगी, तो हम बॉटल पे गए, बॉटल पे जाके शिफ्ट कर करना पड़ता है, शिफ्ट इस पे जाके हम ऐड करते हैं, और कौन सी रिजिड बॉडी लगाएं,
हाँ जी रिजिड बॉडी लगा देते हैं, रिजिड बॉडी भी लगा देते हैं, ठीक है जी, और उन पे ग्रेविटी भी लगेगी, सही है, और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी अब हम एक काम करते हैं, और क्या काम करें, हमने बेसिकली अब क्या करना है कि हमने बेसिकली एक स्क्रिप्ट ऐड करना है, और स्क्रिप्ट क्या होगा, स्क्रिप्ट होगा बेसिकली हमने इसको लेफ्ट मूव करना है, इसको राइट मूव करना है, बॉल जो है वो इधर द लेफ्ट राइट मूव कर सके, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा बॉल का बाय डिफॉल्ट एक वेट है, कितना वेट है देखो कितना लिखा हुआ है वेट, बॉल का मास है 1 और बॉटल का मास कितना है, बॉटल का मास है 1, बॉटल का मास हो रही होना चाहिए इतना बॉल जितना बॉल का होना चाहिए, हाँ सॉरी कम कर लेते हैं, बॉल का ज्यादा नहीं होना चाहिए, बॉल का ज्यादा होना चाहिए, इसको 0.5 कर दो या 2.5 कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली बाकी सब पे लगाना पड़ेगा मुझे, जो मैं मैच करता हूं 0.25, ठीक है, किसी को इतराज तो नहीं है कि मैं इसको 1/4 कर दिया मैच का, ठीक है, किसी को इतराज तो नहीं है, ये देखें सबके मैच जो है 0.25 हो गए, ठीक है, मैंने सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट करके सारा सेलेक्ट करके उनका सबका मैच मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा जी अब मैंने बेसिकली एक स्क्रिप्ट ऐड करना है, जो बेसिकली इसके ऊपर लेफ्ट एरो राइट एरो की इनेबल करे, लेफ्ट एरो की मैं करूँ तो बेसिकली राइट ये लेफ्ट पे मूव कर जाए, राइट पे करूँ तो राइट मूव कर जाए, ठीक है ना, सो ये बेसिकली मुझे ये मुझे स्क्रिप्ट ऐड करना है, ठीक है, तो हम एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके एसेट में गए या प्री फाइल में, नहीं बल्कि स्क्रिप्ट का एक हम वो बना लेते हैं, एक एक फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट में जाके हम एक नया स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं और इसका नाम रख लेते हैं बॉल स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको हम चला लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे बेसिकली क्या करना चाहिए, अच्छा अच्छा आपको पता है ये जो क्या कहते हैं बेसिकली हमने बेसिकली करना क्या है, जब मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो थोड़ा सा राइट पे हो जाए, जब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूं तो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, इस चीज को कहते हैं इंपल्स, इंपल्स समझते हैं क्या होता है, ये ना रॉकेट की टर्मिनोलॉजी में बड़ी जबरदस्त टर्मिनोलॉजी है, जो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है, इंपल्स होता है सडन पुश, क्या आप उसको पुश दिया, ठीक है, ये बात समझ आई, ठीक है, तो हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि बेसिकली 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 क्या हो, अपडेट के अंदर अगर हमारे पास कोई की प्रेस होती है, कौन सी की प्रेस होती है, इफ इनपुट डॉट क्या, कौन सी की प्रेस हो तो मुझे कुछ करना चाहिए, लेफ्ट एरो राइट एरो, हाँ जी, अगर मैं गेट की करूं और गेट की डाउन करूं, और गेट की डाउन में क्या होना चाहिए, अगर मैं की कोड डॉट राइट करूं, राइट एरो करूं, तो क्या होना चाहिए, इसको बेसिकली इसको बेसिकली मूव राइट होना चाहिए, ठीक है, डज इट मेक सेंस, और सिमिलरली और बाय द वे ये मैं मूव राइट फंक्शन भी बनाता हूँ, मूव राइट फंक्शन मैं भी बनाऊंगा, ठीक है, और सिमिलरली मैं एक काम करता हूँ void move left भी बना लेता हूँ, ठीक है, और इसी तरह void move left हो जाएगा, move right हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और आई थिंक थ्रो हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा, और आई थिंक फिलहाल यही करते हैं, ठीक है, फिलहाल ये तीन मोशन बनाते हैं, ठीक है, सो अगर ये हो, अच्छा यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है, और एल्स इफ, हाँ जी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे गए और मैंने कहा अगर राइट अगर लेफ्ट एरो हो जाए, ठीक है, तो ये कौन सा मूव कर दे, ये हो जाए मूव राइट कर जाए, सॉरी मूव लेफ्ट कर जाए, ठीक है जी, और एल्स इफ, हाँ जी अगर यही हम करते हैं और यहाँ पे आ जाए की डॉट स्पेस, तो ये क्या कर दे, ये कर दे जी थ्रो थ्रो, ठीक है, थ्रो होना चाहिए, थ्रो बॉल कर लेते हैं, ठीक है, इसका नाम थ्रो बॉल कर देते हैं, और यह इसका नाम भी थ्रो बॉल रखते हैं, ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इसका ये फंक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जब मैं लेफ्ट एरो में की प्रेस करना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे एक बनाता हूँ,
फ्लोट बल्कि नहीं पब्लिक फ्लोट का नाम रखते हैं इंपल्स फैक्टर, इंपल्स फैक्टर ठीक है। और एक मैं बनाऊंगा इसका नाम रखूंगा पब्लिक फ्लोट फोर्स फैक्टर। ये मेरे दो इंपल्स ये है बेसिकली मैंने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो अक्सर यूज होता है ना उसे हम इंपल्स कहते हैं, और जो पुश करने के लिए यूज होता है उसे हम फोर्स फैक्टर कहते हैं ठीक है। तो ये दो वेरिएबल है जिनको हम बार बारी बार जाके बाद वहां पर चेंज करेंगे ठीक है। अच्छा अब मैं करता क्या हूं, अच्छा जब मैं राइट एरो पे जाता हूं तो राइट एरो में बेसिकली से क्या होना चाहिए, अच्छा एक काम करते हैं बॉल की पोजीशन ले लेते हैं, कैसे लेंगे जी बॉल की पोजीशन लेने के लिए मुझे क्या करना, कौन सा क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे सर? एक रिजिड बॉडी पब्लिक रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी जो तो मुझे पोजीशन चाहिए भाई इसकी। अच्छा, रहो वेक्टर थ्री बॉल पोजीशन चाहिए राइट, मुझे उसका पोजीशन सर ट्रांसफॉर्म में से ले लेंगे। ट्रांसफॉर्म में से ले लेंगे ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म में से भी ले सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी बात बता दूंगा पब्लिक, इसको मैं ना पब्लिक करता हूँ, मैं आज कर रहा हूँ छोटा मुझे डिस्टर्ब किया से, बड़ा तंग किया से। मैंने वेक्टर 3D बनाया और मैंने जाके ना बेसिकली बॉल पोजीशन वहाँ मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मैं यहाँ जाऊँगा और मैंने बाय द वे ये स्क्रिप्ट लगाना है मैंने इसके ऊपर, तो मैंने बॉल के ऊपर ये वाला स्क्रिप्ट लगा दिया, कैसे ये बॉडी मैंने खत्म कर दी, यहाँ पर मैंने जाके स्क्रिप्ट ऐड किया का नाम क्या था मैंने बॉल स्क्रिप्ट, ये मैंने इसे लगा दिया ठीक है। अब ये जो मेरा बॉल पोजीशन है मैं कहता ये जब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करूँ ना तो इसको पोजीशन आ जानी चाहिए थी है ना, लेकिन ये नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही कैन यू टेल मी सर? क्योंकि आप बॉल का ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं उसका वेक्टर नहीं होता है, तो वो खुद खुद डिटेक्ट कर लेता है, दैट्स नॉट एन इशू सर। लेकिन ट्रांसफॉर्म और वेक्टर थ्री डिफरेंट नहीं है? जबरदस्त बात, जो ट्रांसफॉर्म है ना उसमें बेसिकली तीन वेक्टर थ्री है, एक पोजीशन एक रोटेशन और एक स्केल। मसला ये है अगर मैं यहाँ पर बॉल पोजीशन की जगह अगर मैं यहाँ पे जो बॉल पोजीशन मैंने 3D बनाया है ये अगर मैं इसकी जगह वेक्टर थ्री की जगह मैं अगर कर देता ना क्या बोला अगर मैं कर देता ट्रांसफॉर्म, अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दू ट्रांसफॉर्म बॉल पोजिशन कर दू तो अब ये ड्रैग ड्रॉप हो जाएगा, अब देखना ये ड्रैग ड्रॉप हो जाएगा। देखो मैंने सेव किया था प्रोडक्ट्स, अब देखो मैं ड्रैग ड्रॉप करूंगा ड्रैग ड्रॉप हो जाएगा, ये देखो ड्रैग ड्रॉप हो रहा है अब ये हो गया, पहले वो इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज उसके पास तीन वेक्टर थ्री के थे, वो कौन सा वाला डाले इसलिए वो कंफ्यूज है ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं यहाँ पे पोजिशन वेक्टर थ्री रखूंगा, अब मुझे बताओ वेक्टर थ्री मैंने रखना है तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से नहीं देना चाहता उसको ठीक है, ये बहुत यहाँ से उड़ जाएगा। हाँ जी बताएं क्या करूं, मैं यहां से नहीं देना चाहता तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसके ऊपर टैग ऐड करता हूँ, सो मैं यहाँ पे एक ऐड टैग करूंगा और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ बॉल ठीक है, और मुझे एक मुझे बॉटल्स के ऊपर भी चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे ना बॉटल भी कर लेता हूँ, तभी करता हूँ बाद में जब पड़ेगी कर लूंगा या अभी रहने देते हैं यार बाद में इसको रिमूव कर दिया इसको ठीक है। तो ये बॉल वाला आ गया ठीक है, और मैं बॉल पे गया और बॉल पे जाके मैंने बेसिकली क्या किया टैग लगा दिया टैग और यहाँ पे बॉल लगा दिया ठीक है जी। अब मुझे बेसिकली क्या करना है मैं यहाँ स्टार्ट में आता हूँ मुझे बॉल पोजिशन चाहिए, तो मैं बॉल पोजिशन के लिए क्या करूंगा बॉल पोजिशन इक्वल टू, हाँ जी पता है क्या करें मुझे वो वहां से वो बॉल उठाने जी गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड विद ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे मैं टैग देता हूँ उसका नाम रखता हूँ जी बॉल, क्या लिख दिया मैंने बॉल, मैंने उसका उठाया उसका ये तो मुझे गेम ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, ये मैंने उसको दे दिया। और बाय द वे एक बात याद रखें अगर मैं वेक्टर थ्री को साइन करता हूँ तो ये हमेशा ये रेफरेंस साइन नहीं होता ये इसकी कॉपी होती है डीप कॉपी होती है, ये बात समझ आ गई। ट्रांसफॉर्म अगर ट्रांसफॉर्म अगर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म को असाइन करोगे तो बेसिकली डीप कॉपी नहीं होगी, पोजिशन इज बेसिकली ए प्रिमिटिव डेटा टाइप इन यूनिटी क्योंकि फिजिक्स इंजन ना, तो बेसिकली वो उसका क्या रखता है वो बेसिकली उसकी डीप कॉपी करता है ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म असाइन करेंगे तो ट्रांसफॉर्म जो होती है वो डीप कॉपी नहीं होती, वो क्या होती है वो उसकी शैलो कॉपी ट्रांसफॉर्म की डीप कर ट्रांसफॉर्म की शैलो कॉपी होती है। हाँ ट्रांसफॉर्म की शैलो कॉपी होती है ठीक है, करके देख लेना मैं मेरा अपना ये ख्याल है ठीक है, लेकिन पोजीशन जो है उसकी तो कन्फर्म वो होती है डीप कॉपी होती है ठीक है। चलें जी मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं क्या करूंगा मुझे क्या करना चाहिए बताएं मुझे।
तो मेरे पास बॉल पोजीशन आ गई भी है, अब मुझे क्या करना चाहिए बेसिकली, मैंने राइट अरो पर राइट अरो पर उसकी पोजीशन चेंज करनी है ना, तो क्या करूं बताएं जी क्या करूं? ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं यहाँ पे ना उसकी अच्छा जिस ऑब्जेक्ट पे, किस ऑब्जेक्ट पे ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है? अभी तो नहीं लगाया सर, लेकिन बॉल पे लगाना है। हाँ तो ये बेसिकली मुझे इसकी पोजीशन क्यों चाहिए भाई? अच्छा मुझे तो ये मैंने पोजीशन कॉपी कर ली है, और नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे क्यों चाहिए थी पोजीशन यार? मैं तो एमएच वाले मारी मैंने, जरूरत नहीं है मुझे, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे बेसिकली इसकी उसकी बेसिकली क्या करना है, मुझे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई गई उस पोजीशन के बाद सही, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गेट कंपोनेंट, और गेट कंपोनेंट में जाके यहाँ पे मैं उसका रिजिड बॉडी हासिल करता हूँ, और रिजिड बॉडी में मैं क्या करूंगा इसका, मैं रिजिड बॉडी में मैं डॉट एड फोर्स करता हूँ। क्या फोर्स ऐड करूं? ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट मूव करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ वेक्टर 3 डॉट राइट, और यहां मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय इम्पल्स वेक्टर, और यहां मैं करता हूँ फोर्स मोड डॉट इम्पल्स। ठीक है, अच्छा ये जो एड फोर्स है ये करता क्या है, ये कहता है मैं इम्पल्स लगाऊंगा, और ना वो कहता है मैं राइट डायरेक्शन में इम्पल्स लगाऊंगा। ठीक है ठीक है, और बाय द वे इम्पल्स फैक्टर का मतलब है वन यूनिट, और वो यूनिट आपने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जितना इम्पल्स फैक्टर होगा जो कि हम डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। और बाय द वे राइट क्या है, ये है 100, और जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, -100। ठीक है, तो यहां पर इसी तरह हम लेफ्ट लगा लेते हैं, लेफ्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल वही हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सो बेसिकली अगर मेरा ये कोड अगर मैं इम्पल्स फैक्टर की वैल्यू कुछ दे दूं, तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि मैं राइट एरो पे वो राइट मूव करे, लेफ्ट एरो पे वो लेफ्ट मूव करे, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं हमारा हो या नहीं, चलाते हैं। एक छोटी सी गलती हो रही है, अभी ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चल रहा? इम्पल्स आपने जीरो रखा, हमने इम्पल्स जीरो किया हुआ, तो इम्पल्स फैक्टर को हम कर देते हैं, लेट्स से चेक करते हैं, फाइल का चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ज्यादा ही ना हो जाए। ओ देखो जी, ओ ओ ओ लेफ्ट, ओ ओ राम नल राम नल राम नल राम नल राम नल, ये थोड़ा ज्यादा नहीं दे दिया मैंने? तो बाय द वे ये थोड़ी सी ये जो, हाँ ये ठीक है। सर एक इशू है क्या है सर, इनर्शिया नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से लेफ्ट राइट मूव करते थे बॉल में, इनर्शिया होना चाहिए ना, मैं छोड़ूंगा तो वो जल्दी जाएगी आगे, लेकिन सर वो लेफ्ट पे सेट करे फिर वो, अभी हम लोग लेफ्ट दबाते हैं, ये मैं चाहता हूँ वो चलती जाती है, ये देखो मैं ये शर्ट चलती जाती है। ठीक है, और ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए, आपका फैक्टर छोटा करना है छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने 5 मेरे ख्याल में ज्यादा है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, मैं इम्पल्स फैक्टर को ये देखिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, और रुक जा भाई, और रुक जा, और रुक जा रुक जा। ठीक है, और ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए? बाय द वे इसमें आई डोंट नो, अगर आपके फ्रिक्शन वगैरह ऐड कर दें सरफेस के ऊपर तो वो बेसिकली थोड़ा सा उसको रोकना शुरू कर दें, ड्रैग वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वो बेसिकली फ्लोर के ऊपर अगर आप मेरे ख्याल में ड्रैग श्रैग ऑन कर देंगे तो वो थोड़ा सा, इस पर भी अगर आप वो क्या लगा के रिजिड बॉडी लगा के अगर आप थोड़ा सा उसको रिजिड बॉडी लगाएंगे तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा, और वो ये हो जाएगा कि बेसिकली जैसे ही रिजिड बॉडी लगाएंगे तो ग्रेविटी ऑन होगी तो वो नीचे होना शुरू हो जाएगा, है ना, है ना। तो एक छोटा सा मसला आ गया था मेरा, वो जो रिजिड बॉडी अगर आप इसको इसके ऊपर लगा देते हैं ना, किसके ऊपर बोला फ्लोर के ऊपर, तो अब अगर आप चलाएंगे ना तो ये भी गिरना शुरू हो जाएगा, ये देखें ये भी गिरना शुरू हो गया, मसला बड़ा। अब ये क्या करें, हम क्या करें कि ये ना गिरे? सर उसकी पोजीशन पीस कर दें, कांस्टेंट ग्रेविटी खत्म कर दें, ग्रेविटी खत्म कर देते हैं, ग्रेविटी खत्म कर देते हैं, क्या होगा फिर भी गिर रहा, क्यों गिर रहा भाई? मैच जीरो कर दे सर, आप इसको स्टैटिक नहीं कर सकते? नहीं इसको स्टैटिक नहीं कर सकते, स्टैटिक का कोई इशू मैंने मुझे नजर नहीं आया सर, ये कोई किधर गया, ये क्या नजर आ रहा है मुझे, फ्लोर गया, फ्लोर में मेरी रिजिड बॉडी में उसका मैच जीरो करूं तो क्या होता है, देखते हैं देखते हैं, और जीरो तो भाई जीरो कर ही नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते, उसको वन करना पड़ेगा। अच्छा एक 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 जीरो भी अभी पिछले बोला था कि स्टैंड में जाके एक्स वाई जेड को ना सारा फ्रीज कर, जी सर,
और रोटेशन को भी फ्रीज करेंगे, देखा रोटेशन अगर आपने नहीं छोड़ी ना तो रोटेशन में वो मूव करना शुरू कर, वो कर सकता है शायद, मेरे ख्याल देखते मेरे ख्याल में हो सकता है वेट की वजह से, बॉल की वेट की वजह से ये देखो मसला हो गया रोटेशन वाला, तो मैं रोटेशन को बॉल का वेट ज्यादा है, बॉल का वेट ज्यादा है इस वजह से, एग्जैक्टली बॉल की वेट की वजह से आप ये बेसिकली रोटेशन में रोटेशन भी ऑफ कर दिए फ्रीज कर दिए तो बेसिकली आप ये फिक्स रहेगा, ठीक है ये बात समझ आई? ठीक है तो ये हमारा अब हो गया। अरे यार ये मुझे बॉल क्यों उठी उठी लग रही है भाई, ये बॉल ये प्लेस है या नहीं है, ये प्लेस है ना, ये प्लेस ही है ना, हाँ प्लेस ही है, ठीक है मुझे तंग कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली इसको अब हमें थ्रो करना है, तो थ्रो करने के लिए क्या करेंगे हम, एक थ्रो करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक एक और फोर्स ऐड करेंगे, लेकिन फोर्स जो होगी पहले तो हम इंपल्स थे ना लेफ्ट और राइट पे कर रहे थे, यहाँ पर बेसिकली फोर्स किस डायरेक्शन में मूव होनी है बताएं मुझे जी, फॉरवर्ड फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि बेसिकली कौन सा एक्सिस है, जी एक्सिस है। तो हम एक काम करते हैं, हम दोबारा से अपने स्क्रिप्ट में जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं स्क्रिप्ट में, और यहाँ पर अब हम बेसिकली ये इंपल्स नहीं है, ये इंपल्स नहीं है बाकायदा फोर्स है, तो हमें बेसिकली थ्रो बॉल में क्या करना है, अगेन ये गेट कंपोनेंट करना है, इसका एड फोर्स करना है, लेकिन अब हमारा इंपल्स नहीं है, इंपल्स इज यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वेक्टर डॉट लेफ्ट, और यहाँ क्या होना चाहिए वेक्टर डॉट फॉरवर्ड, वेक्टर डॉट फॉरवर्ड होता है, वाह जी वाह फॉरवर्ड भी हो गया, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स फैक्टर से, फोर्स फैक्टर, और इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और फोर्स फैक्टर को हमें फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि हम यहाँ जाते हैं बॉल पे, बॉल के स्क्रिप्ट पे जाते हैं, और फोर्स फैक्टर को हम कर देते हैं लेट्स से 100, ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है, पर फोर्स ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, देखते हैं मेरे ख्याल से 100 ज्यादा कम है, हाँ हाँ कम है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम दोबारा वेट की लेके वजह आते हैं, से, हाँ वेट होने की वजह से, तो बेसिकली इसको हम 1000 करते हैं, देखते हैं 1000 करने से क्या होता है, वाह जी वाह, ओ जा 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 जा, अनि भी फोरी भी बड़ा काम था, ओए ओए गिर गई है गिर गई थोड़ी सी ज्यादा करनी चाहिए हमें, इसको हमें 3000 या इसको 10,000 कर दे, ठीक है सर ये वो बहुत शूटे मारेगा ये तो फिर उठते ओ तेरी के ओए जल्दी से बोल ओ तेरी के तुम फाइव कर लेते हैं, ठीक है देखते हैं आप क्या होता है ये देखो जी ओ तेरी खैर, ठीक है ना ये बात सुन आगे। अच्छा जी 5 भी थोड़ा सा ज्यादा है मेरे ख्याल में, इसको करीबन 3000 होना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा हम इसको मूव करके इधर लेके आते हैं, और अब बात आय हाय हाय क्या शूट मारी लड़के ने, नहीं यार पूरी गिरनी चाहिए, मैं देखता हूँ कैसे करते, एक मिनट हमारे ख्याल में पूरी गिर सकती है नहीं गिर सकती, सर डिस्टेंस थोड़ा कम करते हाँ मेरे ख्याल में डिस्टेंस अगर थोड़ा कम कर सकते हैं तो फिर वो बड़ा मजा आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है जी तो ये यार मिस्टी हुआ है, चल कोई नहीं खैर ये आप खुद बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होके या बॉल का साइज बढ़ा के या किसी भी आप शुक्र करना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करना था, हाँ ये हमने बेसिकली क्या कर दिया, ये हमने बेसिकली अपनी तकरीबन तकरीबन गेम बन गई, हमने बस थोड़ी सी चीजें हमने और ऐड करनी है, और वो क्या ऐड करनी है मुझे बताएं। सर बी बी दबाने पे बॉल रीसेट हो जाए, आर दबाने पे लेवल रीसेट, बी बॉल में पे बी दबाने पे बॉल रीसेट हो जाए, कैसे करेंगे रीसेट बताएं। सर इनपुट डॉट जो भी है गेट की कोड डॉट बी लिखेंगे, हाँ ठीक है, तो उसमें हम लिख देंगे कि जो बॉल की प्रीफैब को हम एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते बॉल को तो तो एक्सेस कर, बॉल बॉल को तो कर एक्सेस कर सकते सकते हैं, हैं, हाँ कर सकते हैं, तो उसको हम उठा के वापस उसकी जो जो करंट पोजीशन है उस पे ले आए, उसको ट्रांसफॉर्म तो डॉट पहले पोजीशन पे कर, डोंट यू थिंक हमें उसकी पोजीशन को सेव करना चाहिए, बॉल की पोजीशन को पुरानी पोजीशन को सेव करना चाहिए है ना, यस सर यस सर, हम क्या ऐसा करते हैं पहले बॉल की पुरानी पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन है ना जहां पे पहले सेटअप हुआ हुआ है उसको हम सेव कर लेते हैं, और वो कैसे करते हैं, हाँ हाँ बताएं सर जिस तरह हमने वो
कलर स्विच के अंदर किया था कि हमने उसी सीन को जो सीन हमारा सीन जीरो था उसको हमने दोबारा से वहां पे कॉल रीलोड किया। नहीं मैं वो नहीं करना चाहता नहीं क्योंकि उससे क्या होगा उससे फिर बॉटल्स भी वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि बॉटल्स वापस आए। हमारी बॉटल जो है वहां से शुरू नहीं हम दो गिर चुकी हुई है तो मैं वहां से थोड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें करते हैं बेसिकली हमने बॉल को रीसेट करना है। तो बॉल रीसेट करने के लिए क्या करेंगे हम बेसिकली पहले तो मैं इसको बॉल को रीसेट करता हूँ ना कॉल करता हूँ ठीक है जी। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाके कहते हैं अगर बी प्रेस कर दे तो हम क्या करें जी हम रीसेट कॉल कर दे रीसेट और ऐप रन की हो गया है रीसेट बॉल ठीक है। ठीक है ये मेरा एक फंक्शन है और मैं यहाँ पे एक रीसेट बॉल का फंक्शन बना रहा हूँ। रीसेट बॉल करने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना है मुझे ना एक पब्लिक पब्लिक या प्राइवेट के अंदर पे प्राइवेट वेक्टर थ्री बॉल स्टार्ट पोजीशन सेव करना है ठीक है। और मैं कैसे करूंगा कि बॉल के ऊपर मैंने लेबल तो लगाया हुआ है तो मैं करता हूं कि मैं ना यहां पे क्या करता हूं बॉल स्टार्ट पोजीशन जो है ना उसको असाइन कर देता हूं। हाँ जी क्या था गेम ऑब्जेक्ट डॉट हाँ जी फाइंड ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट विद टैग और इसमें हम देते हैं जी बॉल और इसकी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो है उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी बॉल की स्टार्टिंग पोजीशन आ गई और ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं यहाँ जाता हूँ अगर वो रीसेट बॉल करता है अगर वो रीसेट बॉल करता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दिस डॉट अच्छा जी क्या करूँ मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये अच्छा ये मैं किसके ऊपर लगी हुई है गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई है ना दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ इसका मैं डॉट गेट रिजिड बॉडी कॉल करता हूँ गेट कंपोनेंट और इसमें मैं रिजिड बॉडी कर लेता हूँ ठीक है रिजिड बॉडी और इसकी मैं डॉट पोजीशन को असाइन कर देता हूँ क्या जो मेरी बॉल की स्टार्टिंग पोजिशन। अच्छा अब बताओ क्या मसला है अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा सर जो हमारा इनिशियल बॉल है जो बॉल है वो वापस अपनी जगह पे आ जाना चाहिए वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए लेकिन देखना क्या होता है ये देखना क्या होता है सिर्फ रिजिड बॉडी आएगी। हाँ हाँ ये देखना क्या हुआ ये देखो ये मैंने हिट किया ये और मैंने देखो मैं बी दोबारा प्रेस कर रहा हूँ ये देखो ये तो अभी दोबारा चलना शुरू हो गया तो मुझे बेसिकली क्या करना चाहिए इसी का डॉट डॉट वेलोसिटी जो है उसको भी क्या कर देना चाहिए वेक्टर 3.0 और इसी तरह मुझे बेसिकली एक और काम करना चाहिए जिसका एंगुलर वेलोसिटी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसको भी मुझे जीरो कर देना चाहिए। आप देखना क्या हो अब अगर मैं इसे चलाऊंगा तो मसला होगा अब बस अब नहीं होगा ये देखिए ये मैंने चलाया और अब मैंने बी प्रेस किया तो ये वापस वहां पर आ गया। डज इट मेक सेंस क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैंने जीरो कर दी है ठीक है। अब बेसिकली मैंने एक चीज और करनी है और वो ये है कि बेसिकली की इतनी मेरी क्या है बॉटल्स है मैं आर प्रेस करूं तो वो रीसेट हो जाएगी ठीक है क्या हो जाए रीसेट हो जाएगी रीसेट हो जाए। तो मैं ये करना चाहता हूं तो मुझे इन पांचों की क्या चाहिए पोजीशन चाहिए कैसे करेंगे पोजीशन कैसे करेंगे सर इस वाले केस में तो सर हम सीन वाला सीन जीरो यूज कर सकते हैं जब हम चाहते हैं कि बॉल बॉटल्स भी वापस आ जाए बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो दोबारा मेथड आपने यूज किया है बॉल के लिए वही क्या करेंगे मुझे बस आप मुझे पांच आप मुझे पांचों की पोजीशन चाहिए ना पहले इनिशियल पोजीशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सर आप एक गेम ऑब्जेक्ट बनाएं जिसको आप कह देंगे केगल ग्रुप कहते हैं या बॉटल ग्रुप कहते हैं जिनमें ये सारी बॉटल्स आप ऐड कर दें तो ठीक है फिर? तो उनकी पोजीशन आप उस पेरेंट से ले लें इन सबको चाइल्ड बना दें और उस पेरेंट से इन सबकी पोजीशंस ले लें तो आर दबाएंगे तो वो वही आप सेम करना पड़ेगा बजाय इसके कि आप पांच चीजों की सेव करें
पोजीशन आप एक पेरेंट की कर लें तो वो बाकी चिल्ड्रन को वहीं पे स्पॉन कर देगा। अच्छा वेरी गुड आइडिया, तुम इन सबको बना दो एक पेरेंट, इन सबको चिल्ड्रन बना दो एक पेरेंट का, ठीक है एक पेरेंट का, और उसको और उसकी पोजीशन से और उसकी पोजीशन सेव कर दें पेरेंट की पोजीशन। तो जब पेरेंट की पोजीशन आप रीसेट करेंगे तो बाकी चिल्ड्रन भी स्पॉन हो जाएंगे। अच्छा तो फिर तुम उसको प्रीफैब बना दोगे? नहीं नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना पेरेंट की पोजीशन आप सेव कर लोगे मगर जो आपकी बॉटल्स हैं वो तो आपकी डिफरेंट पोजीशंस पे होंगी ना, तो मैं बॉटल्स की पोजीशन साथ रखनी पड़ेगी। पेरेंट के अंदर चिल्ड्रन होंगे ना, उनकी इंडिविजुअल जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल या लोकल और ग्लोबल स्पेस का फर्क आ जाता है यहाँ पे। जो इंटरनल जो बॉटल्स जो चिल्ड्रन होंगी ना वो लोकल स्पेस में पड़ी होंगी, जबकि पेरेंट ग्लोबल स्पेस में पड़ा होगा। जब आप फॉर एग्जाम्पल आप तीन चार नहीं नहीं जैसे हम उसमें कह रहे थे फायर बाय वाटर गन में हम तीन चार उसको स्प्राइट्स को पकड़ते थे जो फ्लोर के थे, ठीक है, उनको कंट्रोल डी करते थे और फिर जब उनको मूव करते थे तो वो सारे इकट्ठे मूव होते थे। सेम चीज ये होगी कि मूव नहीं करना चाहते ना हम, इकट्ठे मूव नहीं करना चाहते सर, लेकिन इकट्ठे स्पॉन तो करना चाहते हैं ना हम, स्पॉन तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर पेरेंट्स स्पॉन होगा तो चिल्ड्रन खुद ही स्पॉन हो जाएंगे साथ ही, वो बात ठीक है मगर हमें स्पॉन करने पड़ेंगे ना, हम चाह रहे हैं कि वो वापस रीसेट हो स्पॉन ना हो, तो उसके लिए हमें तो 5 की 5 बॉटल्स की पोजीशन रखनी पड़ेगी। हाँ आपकी बात ठीक है पेरेंट्स आप ग्रुप करेंगे मगर ये क्या हमें फिर पुराने ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना पड़ेगा फिर दोबारा एक नए पेरेंट को स्पॉन करना पड़ेगा जिनके साथ ये पांचों दोबारा आएंगे। यस तो यानी तुम कह रहे हो कि मैं अलग बना के उसको पीछा बना के रख लूं और उसको तुम रिस्पॉन कर दो। आप सिर्फ इसी लेवल के लिए आप बना लें पेरेंट प्रीफैब बेसिक ना बनाए, अगर आपने प्रीफैब बनाना है तो फिर जो नॉर्म है 12 बॉटल्स 12 पिंस वाली, ठीक है मेरे ख्याल में तुम्हारी बात ठीक है, तुम इसको ट्राई करना जाके और हमें छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर देना, ठीक है? ओके सर, मैं अभी बड़ा सिंपल सा काम कर रहा हूँ और वो ये है बेसिकली कि मैं इन पांचों की पोजीशन को सेव करने के लिए इन पांचों बॉटल्स के ऊपर एक टैग लगाता हूँ और वो टैग मैं क्या लगाऊंगा इसका नाम रख दूंगा बॉटल, ठीक है, और बी बी बड़ा लेते हैं बॉटल, ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि इन पांचों की पांचों बॉटल के ऊपर सॉरी इन पांचों की पांचों बॉटल्स के ऊपर जाके मैं टैग लगा देता हूं बॉटल का, ठीक है, और अब मैं दोबारा से स्टार्ट में जाता हूं। इस तरह मैंने मैंने बॉल की पोजीशन सेव की थी, मुझे यहां पर क्या बनाना पड़ेगा एक वेक्टर 3 की अरे बनानी पड़ेगी, इसका नाम रखना पड़ेगा बॉटल्स पोजीशंस, ठीक है, पॉजेस क्या पोजीशंस करते हैं यार छोड़ो पूरा पोजीशंस, ठीक है, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर इस तरह मैंने ये हासिल किए हैं इस तरह मुझे हासिल करना पड़ेगा क्या यहां पर बेसिकली मुझे अब मुझे सारे ऑब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे मुझे बारी बारी हर एक की वैल्यूज को साइन करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताएं जी, बॉटल्स पता होना जरूरी नहीं है इसके लिए, मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है हाँ इसके अंदर सेट करके फिर हम लोग एक लूप के अंदर इसको सेट करेंगे या नहीं समझ रहा हूँ दोबारा तो सर अगर हम लोग अरे बना रहे हैं तो वो एक तो हम लोग ये स्क्रिप्ट लगा रहे हैं बॉल पे तो बॉल के ऊपर जो स्क्रिप्ट लगा हुआ है उसका एक काम करते हैं एक काम करते हैं हम व्हाट अबाउट कि मैं ऐसा करता हूं कि इनको सबको उठा लेता हूं मैं ऐसा करता हूं यहां पे बैठा था ये सबको पता है इसी से इतना बड़ा मजा है अगर मैं ये मैं उठाया मैंने और मैंने यहां पे रखा जाके वार यहां पे मैं बीएस करता हूं ये क्या हासिल हो जाएगा पता है ये क्या होगा पता है रिटर्न टाइप जो होगी इसकी वार का मतलब होता है बेसिकली जो सी प्लस में इसको ऑटो कहते हैं ये जो रिटर्न करेगा वही वो ये बन जाएगा। तो बेसिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है ये गेम ऑब्जेक्ट्स की अरे रिटर्न कर रहा है तो ये गेम ऑब्जेक्ट्स की अरे बन जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ लोगों का कहना है कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है वार यूज करना अभी तो मुझे समझ नहीं लगी बट लोग कहते हैं कि ये लाइक एफिशिएंसी खराब कर देता है कोड की क्या मुझे नहीं पता सर एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन हो जाती है ना इसमें हमें प्री डिफाइंड अगर डेटा टाइप पता है तो वो उसी में स्टोर हो जाती है वायर के लिए हमें पहले प्री डिफाइंड ये भी प्री डिफाइंड है भाई क्या हो गया नहीं मतलब इसके लिए कि एक्स्ट्रा स्टेप नहीं होता होगा कि अच्छा जो रिटर्न हो रही है उसी में उसको डाल दिया जाए नहीं वो जो ऑटो कंपाइल टाइम पे डिसाइड करता है तुम्हारे ख्याल में रन टाइम पे डिसाइड करता है ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड करता है कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता होगा ऑफ कोर्स ये ट्रिटर टाइम फिर एक स्टेप आई कैसे आ गया बिल्ड करने के बाद ही एग्जीक्यूट होना है ना उसे हाँ। तो मसला क्या
मेरा नहीं ख्याल है मसला मसला, पता नहीं क्यों कह रहा है। एक तो ये स्नैन भी ना, बस एम ही बस बोल रहा था इन बीज। अच्छा इसका पता नहीं सर जी ठीक है ना अच्छा सो फॉर ईच वार बी इन बीज, ये क्यों मेरा दे रहा है भाई, क्यों कह सर रहा है। ये पाइथन की स्क्रिप्ट आप नहीं एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, आप एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, अच्छा नॉट गेम समझ ऑब्जेक्ट गया। विद दैट हाँ सर, आप एक ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं गेम, हाँ समझ गया समझ तो सर आप लूप लगा रहे हैं सर, वो देखे गया, ना, इतना गेम होता ऑब्जेक्ट फाइंड गेम ऑब्जेक्ट विद टैग, आपने ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं है। ये क्या मसला है इसमें, मैं ए पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हूँ, उसमें मसला क्या है। सर। बीएस को देखे ना, वो बेसिकली है क्या, ये से करे है वो आपके पास एक गेम ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर फॉर वो ईच का लूप गेम लगा ऑब्जेक्ट एक सकते नहीं हैं है, पूरी अरे है। सर। नहीं सर देखिए अरे नहीं, आपने आपने वो वो आगे वो दो मत, डाला नहीं है, आपने अच्छा मैं ये वो मतलब ब्रैकेट से आप ठीक है, डाले आप ठीक है, चलो ऐसे कर लो। नहीं अब ये लिखो सर, मसला, अभी भी नहीं और थी यार एक मिनट सर रुक वो जाओ, रहने गेम दो रहने दो, ऑब्जेक्ट रहने दो, रहने दो, रहने दो, मुझे नहीं पता उससे। सर आप यहाँ बोल रहे पर, यहाँ पर ऐसे नहीं लगाया, सर, सॉरी कब से मैं ये बोल रहा हूँ, कब से आप मैं भी ये हो बोल रहा हूँ कि यार, आपने ऐसे नहीं इतना डाला नहीं यार, इतना आसान, इतना भी गलत भी बोलता है यार, बड़ा अच्छा बच्चा है ठीक है अच्छा यहाँ मैं सर काम करता हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ वही है कि अब मुझे जैसे किसी पोजिशन सेव करनी है, तो भाई साहब ऐसे पोजिशन सेव नहीं करनी मुझे, मुझे उसकी रोटेशन भी सेव करनी है, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। तो मुझे मैं काम क्यों ना करूँ, मैं यहाँ पे ये अरे बनाने के बजाय व्हाट इफ कि मैं बना लेता हूँ लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ वेक्टर बना लेता हूँ। सो फायदा ये होता है बेसिकली कि ये वो ना सारा बस एक काम, बस वो बस साइज भी देना नहीं पड़ता मुझे, मैं यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये भी आपको यूज करना आ जाए, अच्छी बात है। इसका नाम बोटल पोजिशंस है, इसका नाम है बोटल रोटेशंस ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ बॉटल्स पोजिशंस डॉट एड, और यहाँ मैं जाके कर दूंगा क्या, बी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन ठीक है, ये ऐड करवा देंगे। और इसी तरह बॉटल्स रोटेशंस डॉट एड, और यहाँ जाके बी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, ये हम ऐड करवा देंगे ठीक है। की हो गया और की है एनु की मसला है, बी डॉट ट्रांसफॉर्म नहीं था, ये क्या कह रहा है भाई, क्या मसला है ये वेक्टर। ओ इसका नाम क्वाटरनियन होना चाहिए था, ये है क्वाटरनियन, जो रोटेशंस होती हैं वो क्वाटरनियन होती हैं, तो ये हो जाएगा इसमें से। ना ये 3D के अंदर जो जो हमारी रोटेशन होती है ना, उसके अंदर क्वाट, उसमें चार चीजें होती हैं, और आई थिंक वो आखिरी यूनिट पता नहीं क्या होता है, वो जाकर देख लेना ठीक है। तो ये हमारे पास रोटेशन आ गई, और अब जब हम गेम रीसेट करने को कहते हैं, तो एल्स इफ, हाँ जी यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जाके हम अगर आर प्रेस कर दें तो हम कहते हैं जी रीसेट गेम हो जाएगा ठीक है, और अब हम रीसेट गेम का फंक्शन डालते हैं। तो रीसेट गेम क्या करेगा, रीसेट गेम क्या करना चाहिए इसको बताएं जी। बेसिकली मुझे दोबारा से वही सारे ऑब्जेक्ट उठाने ठीक है, इसका रिवर्स काम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके सारे ये मैं बीज उठाऊंगा और इस पे फॉर ईच लगाऊंगा ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बता सकते हैं आप जी। हर एक को उठाया मैंने, और क्या करना पड़ेगा बताएं मुझे जी, दसो जी की करिए पुरानी पोजीशन वापस लानी पड़ेगी बस पुराने सिंपल। पोजीशन वापस लाने, क्या करें सिर्फ पोजीशन वापस नहीं लानी उनका, वो ये आप फगेट, डोंट फगेट कि हमने बेसिकली क्या करना उसका। सो उसकी पोजीशन भी, उसकी उसकी रोटेशन रोटेशन भी रिलेट करनी है, उसका एंगुलर वेलोसिटी भी, और वेलोसिटी भी चेंज जीरो कर दी, ये आप वरना आप दोबारा रखेंगे वो दोबारा गिर जाएगा, दोबारा गिर जाएगा ठीक है। ठीक हो गया अगर सर, गिर रहे हुए, अगर वो गिर रहे हुए तो वो उसी से दोबारा गिरते जाएंगे ठीक है ना, तो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। तो अच्छा ये मैं ना एक वार बना देता हूँ, ये भी आप अच्छी प्रोटेक्शन देख लीजिएगा, ए बॉटल फिजिक्स ठीक है इज इक्वल टू, मैं करता हूँ बी डॉट डॉट गेट रिजिड गेट कंपोनेंट, और मैं यहाँ कहता हूँ रिजिड बॉडी ठीक है, मैं इसका रिजिड बॉडी का रेफरेंस ले लेता हूँ, और मैं अब जाके इसे चेंज करता हूँ, कहता हूँ ए बॉटल फिजिक्स डॉट इसकी वेलोसिटी को कर देता हूँ मैं वेक्टर 3.0 ठीक है, और इसी तरह मैं करता हूँ ए बॉटल फिजिक्स डॉट एंगुलर वेलोसिटी
इज इक्वल टू वेक्टर 3.0, ठीक है, और अब मैं ए बॉटल फिजिक्स, ठीक है, डॉट, अब मैं पोजीशन, नहीं हाँ पोजीशन को जाके कर दूंगा, क्या जाके कर दूंगा, हाँ जी कौन सी पोजीशन मैंने करनी है, बॉटल पोजीशंस की आईएथ पोजीशन जो है, एक्चुअली इंडेक्स नहीं, अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स करना है, इंडेक्स कैसे करेंगे, बाहर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और r i प्लस प्लस कर देते हैं और यहाँ जाके i लिख देते हैं और यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, डज इट मेक सेंस, और रोटेशन को भी करना पड़ेगा, तो a डॉट रोटेशन इज इक्वल टू बॉटल्स रोटेशंस की i एथ एंट्री, ठीक हो गया, तो दैट्स इट, अच्छा जी यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसे मारता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ बी लेके आता हूँ और ये यहाँ पे आके मैं ये बी रखता हूँ, ओए हाय बी लेके आया, ओए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इतनी जोर से बॉल मारी मैंने, बी लेके आया, ओए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ सर, वो ऊपर ला रहा है लेकिन दरमियान में वो प्लेन आ रहा है रास्ते में, एक मिनट ये मैंने मारा, सर वो ग्रेविटी की वजह से मेरे ख्याल से फ्लोर के नीचे चल रहा, नहीं वो मेरे ना ख्याल है, मैंने ना क्या आया, और ये मैंने किया रीस्टार्ट, अच्छा रीस्टार्ट पे कुछ नहीं हुआ, वो कहता है नल पॉइंट एक्सेप्शन आई है, डबल क्लिक करते हैं देखते हैं जी कहाँ मसला है, कहता है इस जगह मसला है सर, इसमें देखें जो बॉटल फिजिक्स है वो तो एक कंपोनेंट पर टाइम गेट कर रहा ना, एक मिनट क्या वो जो बॉटल लिखा हुआ था उस लूप के अंदर वो तो सर एक बॉटल को गेट कर रहा है, तो एक बॉटल के आईथ इंडेक्स में तो कुछ नहीं पड़ा होगा यार, हमने यहां बॉटल, मैंने बॉटल में बॉटल, हां ये तो मैंने चवल नहीं मारी, बॉल बॉल लिख दी, इसलिए क्या होना चाहिए इसी तरह, और यार मैंने क्या किया ये क्या किया, तू ये क्या कर दिया, हमने सारा कुछ गन मचा दिया, ये तो हमने बॉल की पोजीशन नहीं सेव की थी यार, क्या करते हो यार तुम लोग, बताया नहीं तुम लोगों ने, ये बेसिकली ये था बॉल स्टार्टिंग पोजीशन था, है ना, और यार ये क्या किया है, यहाँ पे था वॉर बीज इज इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट डॉट एंड डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विद टैग, और यहाँ पे हमने जाके रखा था क्या बॉटल्स, बॉटल ठीक है, अब हमारे पास पूरे बॉटल आ गए, और ये क्या है, ये क्या हुआ, इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो क्या हुआ इसको सर, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन लिखना आ गया आई थिंक, हाँ जी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, हाँ ये आ गया, अब हम जाते हैं वापस और इसको जाके दोबारा से चलाते हैं, तो रुक जा भाई तू, सारा बेड़ा गर्क कर दिया इसने, ये क्या ऐसे क्या हुआ, इसको फारिग करते हैं यहाँ से और दोबारा चलाते हैं, ये पहला गया तो बी को मैं वापस लेके आया, या ये फिर ऐसा नहीं ठीक है, और मैंने ये रीस्टार्ट किया और फिर दोबारा नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है जी सर, मुझे वो करेज जरा मसला है सर, बॉटल जो बॉटल है वो हाँ? एक वक्त पे गेट कर रहा है आपको एक बॉटल उसमें से पूरी, ओ यार ए बॉटल कहां से, अच्छा ये अच्छा ये बी सर, सर आप ऊपर फॉर ईच वाला लूप लगा रहे हैं और फिर आई प्लस प्लस भी कर रहे हैं, क्या मसला नहीं है, मसला कुछ और है, मसला कुछ और ये है कि बेसिकली यहाँ पर बेसिकली इसको बॉटल मिल गया, बॉटल ही नाम था ना उसका, बॉटल हमने उसको टैग दिया था, लेट्स चेक,
ये दो कंसोल क्यों आ गई हैं, इसको हम एक कंसोल को बंद कर देते हैं। ये हम इस पे भी बॉटल है, इस पे भी बॉटल है, इन सब पे मैंने बॉटल का टैग दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। बॉटल इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है बॉटल टैग इज नॉट डिफाइंड, बी ओ डबल टी एल यही है ना, और यहाँ पे भी देखो बी ओ डबल टी एल ये, और यहाँ पर मैंने जब रिसीव किया है तो यहाँ पे बॉल लिखा है। वाह जी वाह, तुम बिना जहाज ही हो वैसे, ठीक है। और साथ हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे जाके हम रीसेट बॉल भी कॉल कर देते हैं, ठीक है। आखिर में डू नॉट फॉरगेट, गेम हम रीसेट कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल में अब हो गया काम, बस चलो जान दो, ठीक है। ये पहली दफा किया हमने और ये मैंने रीसेट किया, रीसेट किया। बॉटल इज नॉट डिफाइंड, व्हाट द हेल, ये क्यों कह रहा है बॉटल इज नॉट डिफाइंड, ये क्यों कह रहा है सर? फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स विद, अच्छा ठीक है, ये भी सही है, सही है, सही। इसमें बॉटल्स के ऊपर क्या नहीं लगा हुआ, दिस इज नॉट नाइस। ये बॉटल के ऊपर बी ओ डबल टी एल ही है ना, बी ओ डबल टी एल ही है, और इस पे भी बी ओ डबल टी एल ही है, इस पे भी बी ओ डबल टी एल ही है, तो कह रहा कोई टैग ही नहीं मिला मुझे, वाय टैग बॉटल इज नॉट डिफाइंड, और कह रहा स्टार्ट में नॉट डिफाइंड है, ये क्यों कह रहा है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, है ना? खैर ये आप मेरे ख्याल में इसको आप खुद से एक मिनट स्टार्ट वाला फंक्शन दिखाइएगा, स्टार्ट वाला बटन ये आवे, हाँ अच्छा सर, जो स्टार्ट में वेरिएबल बन रहे हैं वो उसका स्कोप खत्म ही हो जाता है जब वो स्टार्ट से निकलते हैं। हाँ इसका तो खत्म हो गया ना, तो हमें चाहिए भी नहीं, दैट्स नॉट एन इशू। समय ये है ना, ये तो हमने ग्लोबल बनाया है ना, इसी का जो करा उसने आपका नंबर बनाया है, तो मसला नहीं होना, दैट्स नॉट एन इशू। बेटा यहाँ पे भी कह रहा है, यहाँ पे भी मसला आ रहा है। इसका नाम चेंज कर लें, इसका नाम ऐसे करते हैं, एक नया टैग बनाते हैं, नया टैग बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं, यहाँ पर नया टैग बना, इसका नाम रख देते हैं बी ओ डबल टी है ना, इसको एडिट नहीं कर सकते, रिमूव किया मैंने, remove, can't remove this tag because it's used, अच्छा चलो देख लें, टैग बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं जी टेस्ट, ठीक है। और इस इन सारी बॉटल्स को टैग लगा देते हैं टेस्ट का, ठीक है, और यहाँ जाते हैं, इसका नाम रखते हैं टेस्ट, और इसका नाम जाके रख देते हैं यहाँ पे टेस्ट, अब चलना चाहिए इसको, ठीक है, लेट्स सी, चलाते हैं जी। अच्छा जी, कोई और एरर तो नहीं आया इसको ना, चल अभी भी एक्सेप्शन आ रही है, ये और एक्सेप्शन नहीं है, कोई वार्निंग शॉट नहीं, काइनेमेटिक के ऊपर है, मैंने यहाँ पे आर दबाया और वो एक्सेप्शन दोबारा से आई है, और वो कह रहा है दोबारा से कि ऑब्जेक्ट नल रेफरेंस आया इस जगह पे, बॉटल रेफरेंस, ओ गंदे बच्चे, इसको एलोकेट आपने नहीं करवाना था, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, गंदे बच्चे। मैं सोच रहा था कि ये एलोकेशन नहीं हुई, बट मैं सही बता रहा हूं, मसला यह तुम सोचते रहते हो, बोलते नहीं हो सर, मैंने नोट किया था, मैंने कहा शायद खुद ही कर देता होगा ये, खुद ही कर देता होगा, यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट ऑफ वो पूरा चलता ही, ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ पे चलाया और ये यहाँ पर आ गए, ठीक है जी। तो बेसिकली अब हमारा गेम मेरे ख्याल में चल जाएगा, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे मैंने ये चलाया और ये रीस्टार्ट किया और गेम हमारा रीस्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमारी रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आए, ठीक है, और हमने गेम बना लिए, ठीक है, आप ऐसे गेम बना लीजिएगा और इसमें ताकि थोड़ा सा एंगल शैनल से खेल लीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है सर। अच्छा एक मिनट, पहले ना मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि ये रिकॉर्डिंग एक्सटेंड हो, ठीक है।
किधर गई हमारी रिकॉर्डिंग जो हो रही थी? यार किथे गई रिकॉर्डिंग सारी जी? सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.